तो ये कुछ है उसका प्राइसिंग और लिस्टिंग। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं फिर एक बार अलीबाग रोरो फेरी की सवारी करने, और एज यूजुअल हम क्विकी को लेके जा रहे हैं इस बार भी। और इस बार मेरे साथ दीदी आ रही है मेरी, उसको ट्रैवल करना था रोरो में, तो उसके साथ मैं आज ये पूरा व्लॉग शूट करने वाला हूँ और रोरो की सवारी करने वाले हैं हम इस व्लॉग में फिर एक बार। तो रोरो फेरी में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तभी सब जगह का एक्सेस हमें मिल रहा था, मतलब ओवरऑल पूरा शिप हम घूम सकते थे, पर इस बार हर एक क्लास के हिसाब से, मतलब अपर लोअर डेक ये डिफरेंशिएट किया गया है, और कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी है जो कि प्रीमियम है वो आपको अलग अलग प्राइस पॉइंट पे मिलने वाले हैं। तो तीन स्टेजेस में ऐसे डिफरेंशिएट किए गए, वो आगे जाके मैं बताऊँगा जल्दी, जैसे जैसे वहाँ पर पहुँचेंगे वैसे वैसे मैं वहाँ जाके ही बताऊँगा, वो बेटर रहेगा। अभी निकल दे, अभी डायरेक्ट मैं यहाँ से व्लॉग शूट नहीं करने वाला हूँ, अभी वही वही रोड दिखा के बार बार क्या ही तुमको परेशान करूँ, वही धूल मिट्टी खड्डे वाले रोड। तो डायरेक्ट अभी हम पनवेल पे मिलते हैं, पनवेल से व्लॉग शुरू कर दे, चलो। तो आज हम यहाँ से जाने वाले हैं। चाय चला दून, कंटिन्यू राइडिंग करके आ गए हम लोग, और अभी ब्रेक लिया गया है। यहाँ से अभी मांडवा जाना है एज यूजुअल, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था। अभी थोड़ा चाय भी लेते हैं, बाद में आगे का जर्नी शुरू। अरे चीयर्स चीयर्स चीयर्स। 5 minutes later. सासवानी 8 किलोमीटर। कल्याण डोंबिवली वाला दिसतोय। 705। लास्ट टाइम जब आए थे ना हम, अभी ट्रेन का कुछ इशू हो रहा था, और इसी विलेज में हम ट्रेन का सेटिंग कर रहे थे। डोंबिवली वाले तो दीदी MH 05 होता म्हणते एवढे मागे पुढे करत आहेत। काय रोड आहे यार, फोटो काढी आहे। निकालो माल, निकल
दाखो दे त्यांना विचारून येते तिकडे जेव्हा काका बसणार ना गुगल मॅप भटका मत देना पहिला राईट नंतर लेफ्ट जायला फार्म हाऊस मस्त आहेत कोण नाही ते एवढा खाली आहे की कोण नाही पहुँच गए थोड़ा हेलमेट की वजह से मेरे बाल बहुत बैठ चुके हैं मतलब चंपू दिख रहा हूँ मैं अभी पर यहाँ बीच पे ऑलमोस्ट कोई ना के बराबर ही है कितना खाली है देखो दूर दूर तक सिर्फ वो उधर वो साइड थोड़े 5-6 लोग हैं यहाँ पे सामने मेरे 2-3 लोग हैं और उधर बच्चे लोग खेल गए बस और कोई है ही नहीं यहाँ पे इतना खाली बीच है और ठीक ठाक है मतलब जो ओशन में से जो गंदगी आती है जो हम ही फैला दे वैसे यहाँ के लोग कचरा डालते होंगे वही रिटर्न आ रहा है अभी तो और बाकी वैसा कुछ गंदा है नहीं यहाँ पे और पूरा खाली है वहाँ पे बोट्स दिख रहे होंगे थोड़े उस एरिया में तो वहाँ पे फिशिंग के बोट्स खड़े हैं और पूरा टोटल कोस्ट लाइन पूरी खाली है टोटल कोस्ट लाइन फुल टू फुल खाली है आई गेस हम लोग अलग एंट्रेंस पॉइंट से आए हैं तो यहाँ पे कोई भी नहीं है पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह है टोटल खाली है और मेन एंट्रेंस शायद वहाँ से है आगे से है पर अच्छा है बीच साइलेंस चाहिए तो यहाँ पे आ जाओ ससावनी और आवस बीच ये दो बीच है ये टोटल खाली रहते हैं पूरा कोस्ट लाइन पूरा खाली है उससे अंदाजा आ ही चुका होगा कि कितना साइलेंट है यहाँ पे दो चार रील भी निकाल लेता हूँ वो अगर देखना है आपको तो जाके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में भी है और अभी डिस्प्ले भी हो रहा होगा यहाँ पे देख लो रेंज रोवर सीन ऐसा है कि पार्किंग का जगह ढूंढना पड़ेगा तो ज़्यादा ही जल्दी आ गए हम लोग इसलिए अभी पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे फिर खाना भी ना खाएंगे टू व्हीलर साठी पार्किंग कुठे आहे तीनची आहे आमची तिकीट हाँ इधर लगा देते हैं अभी थोड़ा खाना भी ना खा लेंगे ये 3 बजे का शिप है कल भी फिर एक बार कोपट हो चुका है हमारा जो बिरयानी का होटल ढूंढ रहे थे हम वो एक्चुअली बंद है मतलब यहाँ पे है ही नहीं बंद कर दिया उन्होंने 2 बज गए 3 बजे का शिप है देखते हैं कभी अंदर लेते कार वाले लोग को तो शुरू कर दिया है अभी देख लेंगे आगे गाड़ी बहुत गर्म हो गया है हाँ ट्रैवल का स्थल तो फाइनली अभी रोगो फेरी आ चुकी है और जो शिप में से कार से वो सब बाहर आ गए
थोड़ी देर में हमारा टर्न आ जाएगा। और डिफरेंशिएट उन्होंने तीन वेरियस टाइप्स में किया है, मतलब एक लो बोलते ना ऐसा, लो स्टेज, मीडियम स्टेज और एक हाई स्टेज। तो वो स्कोडा के नाम से कुछ, स्कोडा का कुछ तो रहेगा, उससे स्कोडा के साथ कुछ तो पार्टनरशिप रहेगा, उसके नाम से कुछ तो वैसा उन्होंने डिफरेंशिएट किया है। स्कोडा कुशर, स्कोडा ऑक्टाविया वगैरह बहुत सारे कुछ ऐसे ऐसे डिफरेंशिएट किए गए हैं स्टेजेस। तो उस हिसाब से आपको प्राइस है टिकट का, जो कि आप, मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ, स्क्रीन पे देख लो। उस हिसाब से आपको हर एक फ्लोर का, हर एक डेक का एक्सेस है। तो ये कुछ है उसका प्राइसिंग और लिस्टिंग, क्या क्या एक्सेस कर सकते हो आप, क्या क्या नहीं कर सकते हो, तो ये देख लेना बुकिंग करने से पहले। तो अंदर अभी फेरी में डायरेक्ट मिलते हैं। जाओ ना। अरे वाह, फर्स्ट एंट्री। इतने लावा लगो। See the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Ooh, oh, oh, you in round with jubilee. Bye bye. Bye bye. तो ये था आज का कुछ वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। फिर एक बार हमारी रोगों की सवारी हो चुकी है, तो ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो, शॉर्ट्स कैसे लगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना इस वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करो, अभी ग्रोथ बढ़ रहा है आगे आगे। और थैंक्स फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। दो बार सोचा था कि वीडियो में बोलूँगा, पर दोनों व्लॉग में भूल गया मैं, अभी इस बार बोल देता हूँ। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहना, और बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू का जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तभी आपको नोटिफिकेशन पहला मिल जाए। और लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना और शेयर करना वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।